देहरादून के आइसलैंड के उच्चायुक्त ने सीएम धामी सिंह की मुलाकात, सीएम आवास पर हुई मुलाकात, राज्य के विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ दौरा, पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ की बैठक, विभिन्न योजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। उत्तराखंड चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटी पार्टियां, किसानों के हक में आपकी संकल्प यात्रा, 15 से 17 नवंबर तक उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे भगवंत मान। नैनीताल एटीआई में बनेगा राज नगरी विकास संस्थान, राज स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। आज से कांग्रेस का गांव गांव अभियान शुरू, आज से 3 दिनों तक गांव में रात्रि विश्राम करेंगे वरिष्ठ नेता, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सीएम के कार्यक्रम तय। बद्रीनाथ में जमने लगे झरने और नाले, बर्फ में तब्दील हुई ओस की बूंदे, 3 डिग्री तक नीचे गिरेगा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में आइसलैंड के उच्चायुक्त महामहिम गुडनी ब्रेक्सन ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और आइसलैंड के उच्चायुक्त के बीच राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और सांस्कृतिक प्रचार, शिक्षा, पर्यटन, फिशरीज, ग्रीन एनर्जी के रूप में भूतापीय ऊर्जा और अन्य संभावनाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन एवं तीर्थाटन के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं, इस दिशा में राज्य सरकार का विशेष फोकस है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में शामिल है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जनपद दो उत्पाद योजना चलाई जा रही है। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालकर उनका स्वागत किया। सीएम ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से भेंट कर जिला मुख्यालय के देव सिंह मैदान में आयोजित शरदोत्सव एवं विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने 126 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बड़ा अच्छा एक महोत्सव के रूप में यहाँ मनाया जाता है, उससे भी हमारी संस्कृति, हमारे लोक कलाकार, ऐसे लोग सभी को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का भी अवसर मिलता है और लोगों को एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलता है। ये हमारी जो पर्यटन आधारित हमारी हमारा प्रदेश है, निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रमों से उसको बढ़ाने का भी जो है काम होता है। ऐसे लोकार्पण है और बहुत सारी हमारी भविष्य की योजनाएँ हैं, हम सभी पर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ सभी आम जनता के बीच में, सामान्य जनता के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, श्री पदाधिकारियों के बीच में, सबके बीच में जा रहे हैं। उनके बीच में से जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो आगे होने वाले काम हैं, उन सब पर भी कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ त्वरित रूप से हमने एक सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण, इस पर हम काम कर रहे हैं। जो भी समस्याएँ आ रही हैं, सबसे पहले हमने कहा है कि हम उनको सरलीकरण की ओर ले जाएंगे और सरलीकरण करने के बाद उसका समाधान करेंगे और समाधान करने के बाद उस पत्रावली का निस्तारण करेंगे। नो टेंडेंसी के आधार पर हम सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव व विधिक सेवा सप्ताह के अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के संयुक्त तत्वाधान में विधिक सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनी का भी आयोजन उच्च न्यायालय परिसर में किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति एवं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा ने किया।
न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि गांधी जी कहते थे कि भारत गांव में रहता है, इसलिए प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में जब तक न्याय के मौलिक अधिकारों की जानकारी नहीं होगी तो देश के कई क्षेत्रों में जो न्याय के मौलिक से लोग वंचित रह जाएंगे, इसलिए चाहिए कि न्याय के मौलिक अधिकारों की जानकारी देश के दूरस्थ गांवों तक पहुंचाई जाए ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। ये हमारा 75 साल की आज़ादी का जो हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, और 25 साल हुआ है लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट का, उसकी तहत एक छोटी सी कोशिश है हमको दिखाने के लिए कि हमने उत्तराखंड हाई कोर्ट और उत्तराखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आईन प्राधिकरण के द्वारा जो भी काम किए गए हैं उसका एक छोटा सा ना ये प्रदर्शनी हमने किया है, और आशा करते हैं कि जो मेंबर ऑफ मीडिया हैं, जो संवाददाता हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट के, वो हमको इसमें सहाय करेंगे, हमको सहयोग करेंगे कि लीगल एवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर जिले में सिरोली कला को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। साथ ही शहर विकास सचिव, शहरी विकास निदेशक, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर और नगर पालिका शिक्षा के अधिशासी अधिकारी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। किच्छा निवासी मोहम्मद इमरान और नईम उल खान ने याचिका दायर कर शहरी विकास विभाग की सिरोली कला को नगर पंचायत बनाने की 29 जुलाई की अधिसूचना को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के अनुसार सिरोली कला ग्राम पंचायत के 4 वार्ड को सरकार ने पहले नगर क्षेत्र घोषित किया, फिर उसे किच्छा पालिका का हिस्सा बनाया, इसके बाद नगर पंचायत घोषित कर ग्राम पंचायत कार्यालय को नगर पंचायत कार्यालय बनाकर एसडीएम को ईओ का चार्ज दे दिया। शहर से गांव, हम अगर आम भाषा में कहें तो शहर से गांव। आज एक किच्छा का जो एक सिरोली गांव है उसको शहर से गांव, हम अगर आम भाषा में कहें तो शहर से गांव में परिवर्तन की प्रक्रिया थी। हमारी राज्य सरकार ने एक नया एक अजीब सा आदेश पारित करते हुए जिस जो क्षेत्र जो है नगर पालिका में कन्वर्ट हो चुका था वर्ष 2018 में, उसको आज नोटिफिकेशन के द्वारा पुनः नगर पंचायत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इन्होंने कभी राष्ट्र की बात नहीं की। हिंदू धर्म सबको समाहित करने वाला धर्म है, हम इस संस्कृति को मानने वाले हैं और इनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, और ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को भी दर्शाता है। ये जो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इनके अंदर कूट कूट कर तुष्टीकरण भरा हुआ है, और कभी उन्होंने राष्ट्र की बात नहीं करी, कभी देश की बात नहीं करी, और जो हिंदू धर्म है वो वास्तव में सभी को समाहित करने वाला धर्म है। हमारे यहाँ कहा जाता है अयम निजम परोवृत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वैसुधवम कुटुम्बकम। हम इस संस्कृति को मानने वाले हैं, इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को भी दर्शाता है कि उन्होंने देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक क्या किया, हमेशा तुष्टीकरण की बात करी, हमेशा ऐसी बातें करी जिससे देश के अंदर बिखराव पैदा हो, देश के अंदर विघटन पैदा हो, अलगाववाद बढ़े, आतंकवाद बढ़े, और हर तरीके से मैं कहूँ कि अस्थिरता का माहौल बने। और बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग।
पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चमकी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब IAS, PCS, NDA और CDS जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। जुबाई के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलौर से निकलकर कई खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। मंगलौर के भरतपुर गांव में स्वर्ण पदक विजेता और राजस्थान के सादुलपुर से कांग्रेस विधायक डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने रेसलिंग हॉल का लोकार्पण किया। दरअसल भरतपुर गांव के निवासी पहलवान ओम वीर सिंह ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए 5 बीघा जमीन दान की है, जिस पर आज स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने लोकार्पण किया, जिससे युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी। इस मौके पर डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने कहा कि उत्तराखंड के मंगलौर में रेसलिंग हॉल के निर्माण से युवाओं में खेलों की भावना और बढ़ेगी। मैं आगे तो देहात में तो पले बड़े हैं, खुशी होती है हमेशा देहात में आके। और आज हमारे जो मंगलौर से विधायक हैं काजी निजामुद्दीन जी, उन्होंने अपने विधायक निधि से यहाँ रेसलिंग की प्रतिभाओं को देखते हुए रेसलिंग हॉल देने का निर्णय लिया, जिसका आज हमने शिलान्यास किया है। और मैं इस मौके पे इतना ही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर उन्होंने प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए उसी सोच के हिसाब से जो आज शिलान्यास कार्यक्रम रखा है, निश्चित तौर पर उनकी सोच को मैं सलाम करती हूँ। और आने वाले समय में हमारे जो पहलवान हैं वो काफ़ी, ओमवीर जी जो हैं काफ़ी लड़कियों को, अपनी बेटियों को भी आपने आगे बढ़ाया है इंटरनेशनल लेवल तक। निश्चित तौर पर इनकी प्रतिभा जो है हमारे काम आएगी और हमारी प्रतिभाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। तो नहीं तो उत्तराखंड में एक खिलाड़ी होने के नाते, प्रभारी लगने के बाद उन्होंने एक खिलाड़ी को मान सम्मान देते हुए मेरे हाथों से। हिमाचल में जीत के बाद पहाड़ी राज उत्तराखंड पर कांग्रेस की नजर है, जिसको देखते हुए आलाकमान ने गढ़वाल क्षेत्र की कमान हिमाचल के कुलदीप कुमार को सौंपी है। कुलदीप कुमार गढ़वाल क्षेत्र प्रभारी बनकर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर जायजा ले रहे हैं और उनका कहना है कि हिमाचल की तर्ज पर जल्दी उत्तराखंड में कांग्रेस भाजपा को मात देगी। सरकार बन जाएगी तो हर आदमी जो है हम एकजुट होंगे, सरकार बनेगी तो हर कार्यकर्ता की सरकार होगी, हर कार्यकर्ता विधायक होगा, हर कार्यकर्ता मंत्री होगा, तो उसकी सरकार है, क्योंकि उसने अपनी दिन रात मेहनत करके सरकार बनाई होती है। और हमारा फर्ज है कि हर कार्यकर्ता का मान सम्मान जो यथा जो उसकी शक्ति है उसके मुताबिक उसका मान सम्मान जो है हम रखेंगे, और ये हमारी ड्यूटी है। मैंने वहाँ पब्लिक मीटिंग में भी कहा कि किसी कार्यकर्ता को हताश होने की जरूरत नहीं है, किसी के भी मन मुटाव हो तो हमारे से बात करें। खबर रुड़की से है, जहाँ सिविल लाइंस कोतवाली पहुंची महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रश्मि चौधरी ने तहरीर देते हुए अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान को देशद्रोही और भड़काऊ करार दिया है। पद्म पुरस्कार से नवाजी गई अभिनेत्री कंगना रनौत के 2014 में देश को मिली आजादी वाले बयान पर गुस्साई उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रश्मि चौधरी ने कहा कि कंगना सुर्खियां बटोरने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है
और उनका असली चेहरा आज उजागर हुआ है। कंगना ने उन वीर सपूतों का अपमान किया है जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया था। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने बयान जारी करते हुए कहा था कि भारत को 2014 में आजादी मिली और 1947 में जो मिला वो भिक्षा थी। एक्चुअली कंगना रनावत जी जो हमारे हिंदुस्तान की बहुत अच्छी अदाकारा हैं, उन्होंने इतनी गलत बयानबाजी की है हमारे महान पुरुषों के लिए और जिन लोगों ने शहादत दी है, जिन लोगों का हम बहुत सम्मान करते हैं उन लोगों के लिए, और हमारी महिलाओं ने इतनी कुर्बानी दी है और एक महिला होने के बावजूद अपना मानसिक संतुलन वो खो चुकी हैं और वो कह रही हैं कि देश जो आज़ाद हुआ है वो 2014 में हुआ है, वो तो 2047 में तो इनको भीख मिली थी। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि अपनी इतनी चमचागिरी ना करें और इतने मदहोश ना हों, क्योंकि वो भी एक महिला है और कितनी महिलाओं ने हमारे देश आज़ादी में शहादत दी है, कितनी औरतें हमारी विधवाएं हुई हैं, कितनी सैनिकों की पत्नियां बिचारी बैठी हुई हैं। तो वो इस तरीके की जो गलत बयानबाजी कर रही है उसी के तहत में हमने यहाँ पर सिविल लाइन इंचार्ज जी को एक तहरीर दी है और उसमें मुकदमा पंजीकृत करवाएंगे हम। खबर जसपुर से है जहां किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने एसडीएम को पत्र देकर ग्राम पंचायत कलियाबाला में फोर लाइन के नजदीक आने वाली खेतों की जमीन से लिंक मार्ग जोड़े जाने की मांग की है। इसके बाद एसडीएम ने पीएनसी एवं एनएच विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर किसानों की समस्या से निजात दिलाने की कार्यवाही की है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह सहोता ने कहा कि वर्ष 1980 में गन्ने का मूल्य बढ़ाने को लेकर जो आंदोलन हुआ था उसमें दो किसान शहीद हो गए थे, जिनकी बरसी 25 नवंबर को मनाई जाती है। महुआ डावरा में शहीद हुए किसानों की बरसी पर किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत भी आएंगे। तो उस विषय में हमारी तैयारी के लिए हमने मंथन करा है कि हमने जी उस कार्यक्रम को अच्छा तगड़ा बनाना है। और दूसरे हमारी किसानों की समस्या है, जैसे नेशनल हाईवे बाईपास बना है, उसके जो चक्रोड कट गए हैं, दोनों तरफ किसान की जमीन बच गई है। एक साइड में तो चलो चक्रोड आ गया, दूसरी साइड में जो चक्रोड चला गया हाईवे में, तो दूसरी साइड में चढ़ने उतरने के लिए ना कोई उन्होंने सर्विस रोड दी है और ना ही उन्हें रैंप दे रहे हैं। किसान यूनियन के लोग आए हुए थे और उनका ये कहना है कि कलिया वाला जो जगह है वहाँ पर कुछ किसानों के रैंप का निर्माण किया जाना है। उनके अभी मैंने मॉक का इंस्पेक्शन भी किया तो उसमें देखा है कि जो रोड बनी हुई है वो आपका कि मैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर बनी हुई है, तो मेरी पीडी से ही बात हो चुकी है और उनका ये कहना है कि आप रिकमेंड करके इसको भिजवा दीजिए और वो आगे मिनिस्ट्री में बात कर लेंगे और उसके बाद ही आगे का कार्रवाई की जाएगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। उत्तराखंड राज्य की 21वीं वर्षगांठ पर समस्त राज्यवासियों को बधाई। राज्य के चौमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार का विकल्प रहित संकल्प, जिस पर सदैव कार्यरत हैं हम। रोजगार को प्राथमिकता देते हुए लगभग 24,000 रिक्त पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। पीएससी के तहत और समूह ग और ख के पदों पर चयन के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है और राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को भी हटा दिया गया है। स्वरोजगार योजनाओं से बड़ी संख्या में राज्यवासी हो रहे हैं लाभान्वित। अतिथि शिक्षकों के वेतन, MBBS इंटर्न के स्टाइपेंड,
विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं तीलू रोतेली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार की राशि में भारी वृद्धि और NDA UPSC जैसी लिखित प्रवेश परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। कोविड से लड़ाई में मजबूती से डटे हैं हम। टीकाकरण अभियान को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाकर उत्तराखंड ने समय से पहले 100% पहली डोज का टारगेट पूरा कर दिया है। कोविड-19 से प्रभावित तकरीबन हर वर्ग के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से 16 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। महामारी से प्रभावित निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की सुरक्षा और महिलाओं को मिला मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का सहारा। अब आम लोगों की पहुंच में है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। 44 लाख लोगों के बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड। निशुल्क जांच योजना के तहत मुफ्त पैथोलॉजिकल टेस्ट की सुविधा भी है। शिक्षा को आसान बनाने के लिए विद्यार्थियों को मुफ्त मोबाइल टैबलेट दिए जा रहे हैं। नई सड़कें, हाईवे, अस्पतालों और कॉलेजों के निर्माण से बदल रहा है उत्तराखंड। जिन विचारों को आधार बनाकर इस पर्वतीय राज्य की स्थापना 21 साल पहले हुई थी, उन्हें पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड सरकार। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां नशा मुक्ति केंद्रों में चल रही अनियमितताओं के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। इस बार प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए छापेमारी की। पुलिस प्रशासन, समाज कल्याण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने दो ऐसे नशा मुक्ति केंद्रों पर छापेमारी की जिनमें भर्ती लोगों के साथ दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, हत्या और दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि पहले ही इन सेंटर्स को सुधारीकरण के आदेश दिए गए थे, लेकिन आदेश के बावजूद इनमें कोई सुधार नहीं हुआ। इन पे जो नशा मुक्ति केंद्र हैं, इनके इनके दीर्घकालीन इन पे नियंत्रण के लिए इसमें जिला स्तर पे एक SOP बनाई जा रही है और कुछ गाइडलाइंस तय की जा रही हैं कि किस तरह से ये केंद्र चलेंगे और हम शीघ्र ही वो जो SOP है वो जारी कर दी जाएगी और जो तथा जो केंद्र संचालक हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी कि वो किस तरह से इसमें इनका केंद्रों का संचालन करेंगे और यदि केंद्रों का उस तरह से SOP के अकॉर्डिंग नहीं संचालन करते हैं तो उसमें कुछ व्यवस्थाएँ क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। खेल नीति की आवश्यकता पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जोर दिया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और उत्तराखंड प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी डोईवाला पहुंचे। क्रीड़ा भारती उत्तराखंड के द्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रम में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ क्रीड़ा भारती के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड में भी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय लेवल में खेल नीति अपनाया है, ट्रेनिंग ओलंपिक्स के लिए, वर्ल्ड गेम्स के लिए, और गांवों में भी हमारा टैलेंट सर्च करने के लिए कुछ व्यवस्था हमने किया है, एक ऐप भी हमने डेवलप किया है। ऐसे उत्तराखंड में भी एक अच्छा खेल नीति हम यही सप्ताह हम घोषणा करने वाले हैं। हमारा देखिए ऐसा है कि
मैं तो हर जगह बोलता हूँ, परसों मैं गवर्नर हाउस गया था, वहाँ गवर्नर साहब से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी, तो मैंने यही खेल नीति के लिए कहा था, तो उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी जो है हम जो हैं 5-10 दिन में खेल नीति को निकाल देंगे। तो हमने क्रीड़ा भारती की तरफ से भी और खिलाड़ियों की तरफ से भी जितना, क्योंकि खेल नीति जब तक नहीं बनेगी तब तक हमारा स्पोर्ट्स डेवलप नहीं होगा। कि मैं गांव के लिए भी कर रहा हूं और मुझे बड़ा बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी भी हो रही है कि हमारे कोठारी जी जो हैं इसके कोऑर्डिनेटर भी बनाएंगे अपने क्षेत्र वगैरह में, ग्रामीण उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वगैरह, तो इनको बनाया है, तो मुझे पूर्ण आशा है कि ये वगैरह करेंगे इसे। उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।